नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाली कांग्रेस द्वारा असगरे चुनाव में प्रतिस्पर्धा कैल जेबाक नेता निधि कहब, पर निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनल जेबा में जोड़। कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल, राज्य मंत्री यादवक कहब किसान समस्या में पड़ल उपराग। चुनाव में बहुमत हासिल करबाक दिशा में आगा बढ़न नेकपा एमालेक अध्यक्ष ओली द्वारा कार्यकर्ता के निर्देशन। कोरोना वायरस महामारी के कारण नेपाल सहित विश्व के हिमाली देश में बहुत आर्थिक समस्या पड़ल, प्रधानमंत्री कहब। आ नेपाल राष्ट्रीय व्यवसायी महासंघ के चारिम साधारण सभा चैत 22 गते। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के नेता बिमलेन निधि निर्वाचन में कांग्रेस अकेले प्रतिस्पर्धा करय पड़त बतौलन। जनकपुरधाम में बुद्धि भेल कार्यक्रम में नेता निधि गठबंधन बना के चुनाव में जाय के विकल्प जाय नहीं हैत बतौलन। लोकतंत्र में हो वाला निर्वाचन प्रणाली में पार्टी सब अकेले प्रतिस्पर्धा करय में वो जोर दिलन। संविधान के लिए और प्रणाली के लिए सहमति और सहकार जरूरी है, लेकिन निर्वाचन प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली तो प्रतिस्पर्धा हो जाए। प्रतिस्पर्धा में आ के असगरे अपन पार्टी के जीत के अधिकार आ ओकरा लेल तैयारी कर के आ के अधिकार होय छे। आ ई अच्छुतपूर्ण बात हो छे। असगरे चुनाव जीत के लेल तो असगरे लड़ा पड़त। नेता निधि अपन ई बात बहुत के खराब लाग सकलो पर नेपाली कांग्रेस गठबंधन नहीं बना का अपने शक्ति से बहुमत आने में जोड़ दिलन। नेपाली कांग्रेस के पर निर्भर नहीं भक आत्मनिर्भर पार्टी बनाब में हुनक कहब छल। मात्र नहीं, लोकतंत्र के बहुदलीय प्रणाली में हर एक दल से निर्वाचन में अपन बहुमत प्राप्त करत के लेल संपूर्ण शक्ति लगबे छे। दोसर पार्टी के जिताब के लेल दल अपना तरफ से शक्ति नहीं लगबे छे, अपने जीता कर। नेपाली कांग्रेस के आई के दिन में आप जरूरत है आत्मनिर्भर पार्टी बनाव के, पर निर्भर पार्टी बनाने का भी है। नेता निधि आब चुनाव में केंद्रित होब अपन नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कलन। ओ स्थानीय तौर के चुनाव में टिकट नहीं पाव वाला के आक्रोशित नहीं होब आग्रह करते, टिकट पाव वाला के जिताब तरफ लाग से हो आग्रह कलन। कार्यक्रम में धनसा के कांग्रेस सभापति योगेंद्र पजियार सब एकजुट भ कांग्रेस के जिताब तरफ लाग पड़त बतौलन। अनुरोध करे चाहबे कि सब कोई एकजुट भ के हम सब कांग्रेस के जिताब में लागी और आबो वाला दिन में कांग्रेस के हम सब जिताए, ते अभियान में आइए सब हम सब लागी। कार्यक्रम में हाल ही भेल धनसा के 14 अधिवेशन से चुनल गेल नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य सबके प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल आगामी चुनाव में गठबंधन हैत कि नहीं हैत विषय व्यक्ति से नहीं भक संस्था तय करत बतौलन। जनकपुरधाम विमानस्थल में संचार कर्मी से बातचीत करते अध्यक्ष नेपाल आगामी चुनाव में गठबंधन कायम क के आगा बढ़ब वा नहीं बढ़ के विषय निर्णय होब बाकी रहल बतौलन। दल सब आवश्यकता महसूस केला बाद समझदारी होब कहत पहले अपन बल में ठाड़ होब पड़त बतौलन। काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्रियामा छौँ, अब अरू राजनीतिक दलहरू पर निर्भर निर्भर छन् नि, आत्मनिर्भरहरू नै यताबद्ध हुन्छ। पर निर्भर पर निर्भर माथि उनीहरूको भविष्य हुँदैन, कोही पनि पर निर्भर छैन, सबैको आफ्नो आफ्नो हैसियत छ, आफ्नो शक्ति छ। मिल्ने भनेको शक्ति मिल्ने हो, विन विन भन्छ कि लाभ भयो भने तब नै एकता हुन्छ, घाटामा कसरी व्यापार गर्छ। गठबन्धनको अधिकांश दलको भनाइ के छ भने हामी चाहिँ शक्ति सम्पन्न छौँ, हामी एक्लै चुनावमा जान सक्छौँ, यस्तोमा होइन गठबन्धन बनाएरै जानुपर्ने त अहिले आशै जुन आयो नि। व्यक्ति व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो धारणा फरक फरक छ। संस्थाको धारणा के हो भने संस्थाले तय गर्छ, त्यो संस्थाको धारणा हुन्छ। साझेदारीको स्वरूप के हो? जनकपुर धाम में बुधदिन कांग्रेसक नेता बिमलेन निधि दल सब आत्मनिर्भर होब में आ गठबंधन उचित नहीं रहल कल प्रसंग में
प्रश्न के जवाब में अध्यक्ष नेपाल आत्मनिर्भरे सब एकताबद्ध हेबाक बतौलन। ओ पर निर्भर के भविष्य नहीं रहल कहत अपन अपन हैसियत रहल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल मिल के चुनाव जाके शक्ति मिल के रहल कहत एकरा अन्यथा नहीं लेब बतौलन। विमानस्थल में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब अध्यक्ष माधव नेपाल के स्वागत केने छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल दोसर के सहारा में चुनाव जीत के बात नहीं सोच आग्रह कलने। बुध दिन काठमांडू में पार्टी के बागमती प्रदेश कमेटी के दोसर पूर्ण बैठक में बजे अध्यक्ष नेपाल पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के दोसर के सहारा में चुनाव जीत के बात नहीं सोच आग्रह कलन। ओ अपन शक्ति मजबूत भक मात्रे दोसर संग तालमेल के अर्थ रहल कहत अपन स्थिति कमजोर भेला पर अनावश्यक घाटा हेबाक बतौलन। अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह के निर्वाचन में समाज आ पार्टी से चिन्हल गेल व्यक्ति के मात्रे उम्मीदवारी में उठेबाक से बतौलन। उदाहरण को एउटा प्रचार गरिए छ कि दुईटा मन्त्री प्रेम बहादुर आले र कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ मध्यरातमा बालकोट पुगेछन्, केपी ओलीसँग गोप्य वार्ता गरेछन्, अब उनीहरूको टिकटबाट चुनावमा लड्ने रे, कहिले हुन्छ एकीकृत समाजवादी त्याग्ने रे, अब कतिपय हाम्रा कमरेडहरूको निन्द्रा खराब होस् गो। विरोधीले केपी ओलीको साइबर सेलले प्रचार गरेको कुरालाई फत्याएर हो कमरे हो कमरे हो कमरे रहिरा। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी में रहल मंत्री द्वय प्रेम आले आ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रात नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के भेट गेल बात गलत रहल बतौलन। ओ अध्यक्ष ओली के साइबर सेना सब झूठ प्रचार केला सा अपना आ पार्टी के नेता सब के नींद खराब भेल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली के अपराध सब के जमा क के जनता समक्ष ल जेबाक से बतौलन। अरूलाई मात्र दोषी देखाउने यो सबै हुन सक्दछ। एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हुने कुरा ल्याउने को केपी ओली, उनको को मन्त्री प्रदीप गेवाली, कुन मितिमा तिथि हेर्नुहोस् त्यो मिति भन्नु, हामीले डकुमेन्ट ल्याइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई, डकुमेन्ट पढ्नुहोस्। यसको विरोध गर्नेको हामी विरोध गरिसकेपछि अमेरिकाले हिजो अङ्ग भनेको थियो अहिले काट्यो, त्यही पनि केपी ओलीको कुरा ठुलो। त्यसो हुनाले यस्ता यस्ता अनेक कुराहरू मैले खालि यसको एउटा बानकी तपाईँलाई दिएको। अध्यक्ष नेपाल एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसिसी परियोजना मार्फत नेपाल के इन्डो पेसिफिक के अङ्ग बनाउने आरोप लगौलन। ओ अपना ओहि के विरोध केला बाद एखन अमेरिका इंडो पैसिफिक के अंग बनल बात काट रहल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल ओली के विचार में क्रांतिकारिता नहीं रहल आरोप लगवैत दक्षिणपंथी अवसरवाद संग ओली रहल बतौलन। मधेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार से प्रदेश आ स्थानीय सरकार के लिए हो वाला O.N.M दृष्टि विशेषज्ञ के लिए नया दरबंदी सृजना भेल बतौलन। नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघ मधेश प्रदेश समिति द्वारा विश्व दृष्टि विशेषज्ञ दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत मानव जीवन के लेल अति महत्वपूर्ण आँख विशेषज्ञ सेवा के सरकारी अस्पताल में शुरुए से अभाव देखल गेल आ नया ONM में नया दरबंदी सृजना होबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। आँख जेहन संवेदनशील क्षेत्र में सरकार के ध्यान एखन धरि नहीं पहुँचनाई दुखद रहल कहित प्रदेश सरकार माथात के जिला स्थित अस्पताल के साथे स्थानीय तह माथात रहल अस्पताल सबके समेत नया दरबंदी सृजना कर बतौलक। मधेश प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नहीं निक रहल बतौलन। जनकपुरधाम में बुध दिन राष्ट्रीय कृषक समूह महासंघ मधेश प्रदेश के ने कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव संघ सरकार कृषि उत्पादन के मूल्य निर्धारण केरो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल बतौलन। ओ कार्यान्वयन नहीं भेला से किसान के समस्या भ रहल बतौलन। प्रदेश सरकार यानी कि मधेश सरकार के शुरुआती दौर है, कृषि नीति अभी निर्माण के क्रम में है, मंत्रालय के जे नियोजित कार्य योजना है
वो कार्य योजना कार्यान्वयन 100% होनाई में अपने आप में एक चुनौती है। अब कहब कि हम आज चौथा फेज में छी, अब अंतिम आर्थिक बजट बनाब के लिए प्रदेश सरकार के ई मंत्रालय अपन रणनीतिक योजना में छे। हमार योजना प्रमुख कलखिन कि 15 गते 12 गते एना कोनो गते 14-15 में हम सब प्रादेशिक लेवल पर योजना तर्जुमा के खातिर नीति बनाब के खातिर। कार्यक्रम में पर्यावरणीय कृषि प्रणाली प्रवर्धन अभ्यास के विषय में छोट तथा सीमांकृत किसान के सवाल केंद्रित प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवाद कैल गेल छल। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि विकास समिति मध्य प्रदेश के सभापति मदन सिंह श्रीवास्तव, मंत्रालय के योजना महाशाखा प्रमुख ललन सिंह, प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जनकपुर के प्रमुख जुगल किशोर तिवारी लगायत सहभागी छला। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली स्थानीय तह के निर्वाचन में बहुमत हासिल कर दिशा में आगा बढ़ निर्देशन देने। बुध दिन काठमांडू में शुरू पार्टी के केंद्रीय कमेटी बैठक में अध्यक्ष ओली लोकतांत्रिक आंदोलन के सबसे पैघ पुरान शक्ति एमाले रहला से लोकतंत्र के रक्षा के लिए स्थानीय तह के निर्वाचन में बहुमत हासिल कर पड़त बतौलन। द्वंद्व आ हिंसा से गुजरत देश के दीर्घकालीन शांति स्थापना तथा सुशासन आ भ्रष्टाचार मुक्त करत देश के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली धर पहुँचाब के अभिभारा पूरा कर बहुसंख्यक के अभिमत के स्थानीय तह के निर्वाचन जीत पड़त बतौलन। वो भ्रमपूर्ण सत्ता पक्षीय आ जन विरोधी प्रचार भेल कहत वही विरुद्ध बहुसंख्या के अभिमत प्राप्त करत स्थानीय तह के निर्वाचन से पार्टी के मजबूत बनाब में जोर दिलन। सत्ता पक्षीय प्रचार भएका छन्, जन विरोधी प्रचारहरू भएका छन्, इतिहास त्यसै गरी रचना गरिएको छ वा गर्न खोजिएको छ, त्यस सम्बन्धमा अहिले म विस्तृत व्याख्या गर्न चाहन्छु। तर हामीले कति मात्रै भने त्यसको निष्कर्ष स्वरूप नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी ओ नेकपा एमाले के नेतृत्व में संपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन भेल आ सब से पैघ प्रमुख राजनीतिक पार्टी एमाले रहल दावी कलन। तुलनात्मक रूप में एमाले ठूलो भन्ने जस्ता शब्दहरू भूलवश भ्रमवश नियतवश अनेक हिसाबले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठूलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो। आज वर्तमान को जनविश्वास के हिसाब से जन निर्वाचित संस्था में प्रतिनिधित्व के हिसाब से केन्द्रीय कमिटी बैठक से स्थानीय तह के निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न कराब संगठनात्मक आ प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा जन परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय सब कैल गेल। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू नेकपा एमाले सरकार संविधान से बाहर जाकर संचालन करते समय बाहर होब पड़ल बतौलक। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के 16 वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो सबके राष्ट्रीय सम्मेलन के आई नेपालगंज में उद्घाटन करते मंत्री बड़ू पूर्व प्रधानमंत्री ओली सरकार चलाब असफल भेल बतौलन। देश के प्रधानमंत्री रहते समय जनता के भावना बुझ नहीं सकल, देश आ जनता सब बाहर जाकर सरकार चलाब चाहला से समय से पहले बाहर आब पड़ल बतौलन। मंत्री बड़ू एखुनका सरकार विशेष परिस्थिति में विशेष दायित्व के साथ बनल कहत खतरा में पड़ल संविधान के रक्षा कर सरकार के प्रमुख जिम्मेवारी रहल बतौलन। र यसको दायित्व प्रमुख रूपमा के हुने यसको तपाईँले छलफल गर्नुहुनेछ, म त्यो छलफलमा सहभागी हुन नसक्नु, तर तपाईँहरूको नेपाल जस्तो घोषणा पत्र यो रेडियो प्रसारण सङ्घको हामी चाहन्छौँ सरकार यसलाई चाहन्छ तपाईँहरूसित बसेर तपाईँहरूले चाहेका अबका उद्देश्य के हुन् त्यसमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ र त्यसलाई हामी छलफल गरेर त्यसलाई पुरा गर्ने पनि हामी कर्तव्य गर्न चाहन्छौँ। एउटा अभियान पछि बनेको यो संविधान कार्यक्रम में बजट मंत्री बड़ू संविधान रक्षा संवैधानिक सर्वस्वता के लिए रेडियो प्रसारण के लक्ष्य बन पड़त बतौलन। रेडियो प्रसारण से सामाजिक रूपांतरण आ राजनीतिक स्थायित्व के पक्ष में निरंतर पैरवी कर पड़त बतौलन।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल नेपाल के शिक्षा के सुधार कर सकला पर मात्रे बाकी क्षेत्र सब में सुधार हेबाक बतौलन। बुध दिन निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन पैप्सन के 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के संबोधन करते मंत्री पौडेल शिक्षा क्षेत्र के सुधार कर सकला पर मात्र बाकी क्षेत्र में स्वतः सुधार हेबाक बतौलन। ओ देश के समृद्धि के लिए शिक्षा पहल गेट रहल बतौलन। शिक्षा में सुधार कर वाला देश सब मात्र अन्य क्षेत्र में प्रगति कर सकल ओ बतौलन। समृद्धि को खुशी में अगड़ी बढ़ु को निति पेलो ढोका शिक्षा हो खुशी होने ढोका शिक्षा ही भएन भने देश को अरु कुरा को सुधार को संभावना छैन। आज को इजरायल आज को विकसित भएको चीन देश को समग्र समृद्धि को निम्ति सक्षम इंजीनियर चाहिए सक्षम डॉक्टर चाहिए सक्षम टीचर्स चाहिए। मंत्री पौडेल देश के सक्षम जनशक्ति उत्पादन कर शिक्षा आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री पौडेल शिक्षा में संरचनात्मक आ नीतिगत सुधार आवश्यक रहल कहत वही के लिए मंत्रालय काज कर रहा बतौलन। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा उच्च शिक्षा संचालन संबंधी ऐन बनाब पड़त बतौलन। बुध दिन कीर्तिपुर में आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केंद्रीय समिति के 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के संबोधन करते मंत्री थापा नेपाल के उच्च शिक्षा संचालन संबंधी अलगे ऐन बनाब पड़त बतौलन। नेपाल में नया संविधान बनकर संघीयता में प्रवेश भ चुकल संदर्भ में आय धरि सेहो नया ऐन बनाब नहीं सकल कहत उच्च शिक्षा संचालन संबंधी ऐन निर्माण कर विलम्ब भ रहा बतौलन। महामंत्री थापा ऐन बनाकर उच्च शिक्षा में ककरा कतेक लगानी कर के विश्वविद्यालय केना चलाब नया विश्वविद्यालय खोल नहीं खोल आ शिक्षा के संबंध में संघ आ प्रदेश के जिम्मेवारी की हैत कह के विषय में विमर्श कर पड़त बतौलन। मंत्रीजी संसद में समिति में पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको कि यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो चुनाव भयो अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। त्यो उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हामीले उच्च शिक्षाको हाम्रो डिरेक्सन के अघि भनेको जस्तै हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने उच्च शिक्षामा साझेदारी कसरी अहिले उच्च शिक्षाको बहस यहाँ मात्र भयो संसारका थुप्रै हामी अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी अमेरिकाको अस्तिको राष्ट्रपतिको चुनावको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ भने उच्च शिक्षामा लगानी कसले गर्ने खास गरिकन अहिलेको नयाँ राष्ट्रपति आइसके पछाडि वर्षौँदेखि ऋणमा उच्च शिक्षा हासिल गर् आर्जन गरिरहेको महामन्त्री थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै एखन देखल गेल समस्या समाधानके लेल सब पक्ष जिम्मेवार भएको लाग परत बतौलन। पछिल्ला 24 घण्टामे देशभरि थप 38 गोटेमे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै त के केकरो मृत्यु नहीं भेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3855 पीसीआर परीक्षण में 34 आ 1521 एंटीजन परीक्षण में 4 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 269 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल देशभर 2456 गोटे सक्रिय संक्रमित है। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमा वाला के संख्या 11951 रहल 963861 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। मार्च 24 में मनबैत आयल विश्व क्षय रोग दिवस के अइ वर्ष सेहो नेपाल में विभिन्न कार्यक्रम का सप्ताहव्यापी रूप में मनाओल जा रहल है। बुध दिन राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण केंद्र पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करते बृहस्पति दिन पर वाला अइ वर्ष के विश्व क्षय रोग दिवस क्षय रोग अंत के लिए लगानी बढ़ाओ जीवन बचाओ नारा के साथ विभिन्न कार्यक्रम का मनावल जा रहा जानकारी करौलक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन 2020 अनुसार विश्वभरि करीब 99 लाख व्यक्ति सब क्षय रोग से पीड़ित रहल बताओल गेल जैमे सब 55 लाख पुरुष 33 लाख महिला 11 लाख बाल बच्चा रहल क्षय रोग के कारण वार्षिक 15 लाख व्यक्ति के मृत्यु भ रहल अनुमान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण केंद्र जानकारी दिलक। बाकी के प्रसंग प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कोरोना वायरस महामारी के कारण नेपाल सहित विश्व के हिमाली देश सब में पैघ आर्थिक समस्या पड़ल बतौलन। बुध दिन काठमांडू के चंद्रागिरी में दिगो पर्वतीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के संदर्भ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री देउवा एहन बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भेला पर मात्रे नेपाल लगायत हिमाली देश सब के अर्थतंत्र मजबूत बनाब सकत बतौलन। प्रधानमंत्री देउवा पर्वतीय स्रोत सब के संरक्षण करा आवश्यक रहल बतौलन। नेपाल से हो अइ वर्ष हिमाल के संभावना के उजागर करे के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालन कर रहल देवा बतौलने कोलैबोरेशन अमंग द माउंटेन कंट्रीज इन द यूएन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन टू एडजस्ट आवर एजेंडा नेपाल विल कंटिन्यू। प्रधानमंत्री देवा विश्व में मानव समुदाय के भविष्य सुरक्षित करे के लिए विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक आवश्यक रहल कहत ओहि तरफ तत्काल कदम लेब जरूरी रहल बतौलन।
कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री महेंद्र राय यादव नेपाल के कृषि पेशा अर्थतंत्र के मेरुदंड भेलो पर अपेक्षाकृत रूप से विकास कर नहीं सकल बतौलन बुध दिन नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स आयोजना के नेपाल में व्यावसायिक कृषि के विकास आधुनिकीकरण आय के आवश्यकता अ विषय अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट एहन बतौलन। कृषि मंत्री यादव बजट अभाव के कारण मंत्रालय समग्र कृषि क्षेत्र के विकास कर नहीं सकल बतौलन। वार्षिक रूप में कृषि के लिए 2.7% बजट से कृषि के आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण आ नया प्रवृद्धि आन नहीं सकबाक बतौलन। निर्भर भयो भने नेपाली किसान का पसिनाहरू यत्रो लामो समयदेखि बग्दै गइरहेको छ र कृषि पेशा में सच्चा किसानहरूको जीवन स्तर उकालो लागेको छैन। उहाँहरूको जीवन अहिले पनि कष्टमय छ, दुखी छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? यसको सवाल दुई तिनवटा छ कि नेपाल हामीले कृषि प्रधान देश त भन्दै आएका हौँ, धेरै लामो समयदेखि मेरो अनुभव छ। अहिलेसम्म यो 25 वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई यसपालिको बजेट भनेको 2.7%। तहिना मन्त्री यादव एखन सरकार किसान से उत्पादन कैल गेल उत्पादित वस्तु के उचित मूल्य बाजारीकरण आ भंडारण कर व्यवस्थित कर काज में लागल बतौलन। सरकार किसान से उत्पादन कैल गेल वस्तु के उचित मूल्य तोकलो पर निजी क्षेत्र खरीद कर भेला से वही के लिए भंडारण के आवश्यकता पड़त बतौलन। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा माथिल्लो अरुण जल विद्युत परियोजना निर्माण लगानी के लिए कोनो समस्या नहीं रहल बतौलन। मंगल दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण परियोजना में लगानी जुटाबे उद्देश्य से बैंक तथा वित्तीय संस्था आ सार्वजनिक वित्तीय संस्था संग विमर्श कार्यक्रम में बजट अर्थमंत्री शर्मा परियोजना निर्माण में लगानी के लिए कोनो समस्या नहीं रहल बतौलन। ओ परियोजना सरकार के परियोजना भेला से निश्चिंत भक लगानी कर आग्रह कलन। कमिटमेन्ट पछि नीति चाहियो, यस्तो नीतिको आधारमा हामी गर्छौँ भन्ने नीति चाहियो हामीलाई, जो नीतिले हामीलाई निर्देशित गरोस्। त्यो अघि मैले भनेको कुराको समीक्षाबाट नीति नयाँ बनाउनलाई आना मद्दत पुग्छ। अनि वस्तुवादी योजना चाहियो, अघि हेरियो वस्तुवादी योजना चाहियो। त्यो वस्तुवादी योजना सम्भावना र रिस्क अर्थमंत्री शर्मा लगानीकर्ता सबके लगानी फंसत कहकर नहीं डराए आग्रह कलन। ये परियोजना में सरकार के लगानी भेला से लगानीकर्ता के निश्चिंत भ के लगानी कर आग्रह कलन। परियोजना के लगानी कोष से मात्र 1 खरब लगानी कर तैयार रहल मंत्री शर्मा जानकारी दिलन। के अरे अर्को के भन्छ यो हितोपत्र नेप्से। कार्यक्रम में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भुसाल बिजली के बाजार कतः है कहकर चिंता नहीं कर लगानीकर्ता के आग्रह कलन। ओ विद्युत निर्यात के रास्ता सरकार खोल चुकल बतौलन। मंत्री भुसाल विद्युत निर्यात बढ़ावक लेल भारत संग राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तर से संवाद भ रहल बतौलन। अनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हो बजारको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ हामी बजारको ढोका खोल्दैछौँ। थोरैबाट सुरु भएको छ, 39 माइलबाट 1 पाइला, 1000 माइलको यात्रा पनि 1 पाइलाबाट भन्छ, हामीले 1 पाइला सुरु गरेका छौँ र अलिक बढी हामी बनाउनेमा छौँ। र सुखद कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गर्नुपर्दा अब हामी बढी दक्षिण र तिर भर परेको थियौँ र आयोजना के कुल लागत 2 खरब 14 अरब रुपया बराबर रहल। आयोजना निर्माण के लिए 9 वर्ष लगवाक प्राधिकरण बतौलक। खत्म हो जा रहल सिमसार बचाव के लिए कोसी टप्पू वन्यजंतु आरक्ष क्षेत्र रहल मध्यवर्ती क्षेत्र के 45 हेक्टर क्षेत्र सफाई के काज शुरू कैल गेल। सिमसार हटला से लोप होत गेल माछ आ चिड़ई सहित जोगाब के उद्देश्य से आरक्ष सप्ताह संगे मध्यवर्ती क्षेत्र में सेहो सिमसार क्षेत्र संरक्षण के काज आगा बढ़ल। संरक्षण अंतर्गत के काम में सिमसार में आश्रित समुदाय के रोजगारी प्रदान कैल गेल। जीविकोपार्जन सहयोग के रूप में स्थानीय जनशक्ति परिचालन करते सिमसार से जलकुंभी के साथे मिचाहा प्रजाति के झाड़ पात हटावा कार्य के सेहो आगा बढ़ाओल गेल। संरक्षित क्षेत्र के रूप में रहल कोसी टप्पू सिमसार क्षेत्र पिछला समय जलकुंभी आ मिचाहा प्रजाति के कारण हटे जा रहा है। टायरमा 50 किलोमिटर चाहिँ मुनि हामीले सफा गरिसकेको ठाउँमा चराहरू अहिले झनै
नया नया चराहरू अहिले बसिरहेछ, बस्न थालिसकेछ र नया नया प्रजातिको पुरानो माछाहरू पनि अहिले तलबाट चाहिँ आएर बासस्थानको रूपमा बसिरहेछ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघके चारिम साधारण सभा तथा दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन आगामी चैत 22 गते होब जा रहल अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन आयोजन करैत महासंघ के चारिम साधारण सभा तथा दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन चैत 22 गते हेबाक बतौल गेल अछि। महासंघ के अध्यक्ष नरेश कटवाल महाधिवेशन समिति से नया नेतृत्व चयन हेबाक बतौलनि। अध्यक्ष कटवाल बानेश्वर के एवरेस्ट होटल में समारोह के उद्घाटन उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन से हाथ बतौलन। ओ महासंघ आर्थिक विकास के लिए निरंतर काज करैत आयल बतौलन। देश में राजनीतिक दल केहनो रहला पर निजी क्षेत्र दुख पौने कहत आगामी निर्वाचन में निजी क्षेत्र से हो उम्मीदवारी देव पड़त बतौलन। पैसा दिनुपर्ने गति दिनुपर्ने र मुलुकलाई चाहिँ 70 वर्षदेखि बन्दी बनाएर राखिरहनु पर्ने केही नेताहरूको मात्रै परिवर्तन भएको नाताले म त के आग्रह गर्छु भने अब यो चाहिँ जति पनि विकासको गतिको लागि एउटा चाहिँ मुलुकलाई अग्रिम गतिमा लैजानको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ। उस्तै पर्यो भने हामी नै पनि उम्मेदवारी ठाउँ ठाउँबाट दिएर अबको निर्वाचनमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। महासंघ पिछला समय बैंक सबसे अस्वाभाविक रूप से बढ़ौने ब्याज उद्योगी व्यवसाय के खराब असर कर रहल बतौलक अछि। आई विश्व मौसम दिवस पूर्व सूचना पूर्व तैयारी नारा के साथ बुध दिन नेपाल में सेहो मनाओल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष मार्च 23 तारीख के दिन मनायल जाय वाला ई दिवस विश्व मौसम संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर 1950 से मनाव शुरू कैल गेल अछि। मौसम दिवस मनाव शुरू भेल 70 वर्ष पहुँचलों पर नेपाल में एखनो मौसम जन्य प्रकोप के पूर्व सूचना प्रणाली मजबूत हो नहीं सकल अछि। नेपाल लगायत विश्वभर जलवायु जन्य विपद के घटना सब बढ़ रहल अछि। प्रत्येक दिन 115 गोटे जलवायु विपद से जान गुमा रहल अछि। जलवायु तथा विपद विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती मानव जीवन बचाकर भौतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पूर्व सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण रहला से सरकार आ निजी क्षेत्र मिलकर अहि में काज कर पड़त बतौलन। कसरी आँच कुन गति में आँच भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आम जन समुदायलाई चाहिँ सूचित गर्नु आवश्यक छ र त्यो सूचित गर्यो भने हामी पूर्व तयारी पूर्व अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ र पूर्व तयारी भयो भनेपछि हामी पूर्व तयारीमा हामीले यदि इन्भेस्ट गऱ्यौँ भनेपछि धेरै चाहिँ धनजनको क्षति पनि कम हुन्छ र त्यो धनजनको क्षति कम गर्नको लागि र जीवनलाई बचाउनको लागि हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो चाहिँ जति भौतिक संरचना पूर्व सूचना प्रणालीमा प्राप्त कयल गेल अनुभवके आधारमा अन्य बहुप्रकोपीय विपदके पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर तयारी भ रहल जानकारी देलनि। अन्तिम हेडलाइन्स एक बेर फेर सँ नेपाली कांग्रेस द्वारा असगरे चुनाव में प्रतिस्पर्धा कयल जेबाक नेता निधि के कहब पर निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनल जेबा में जोर। कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल राज्य मंत्री यादव कहब किसान समस्याएं पड़ल उपराग। चुनाव में बहुमत हासिल करवाक दिशा में आगा बढ़ नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली द्वारा कार्यकर्ता के निर्देशन। कोरोना वायरस महामारी के कारण नेपाल सहित विश्व के हिमाली देश सब में बहुत आर्थिक समस्या पड़ल प्रधानमंत्री कहब। आ नेपाल राष्ट्रीय व्यवसायी महासंघ के चारिम साधारण सभा चैत 22 गते हैत। व्यस्त अपन न्यूज एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।